आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्योंकि थोड़ा लेमैन को समझने के लिए जरूरी है कि ये न्यूमेटिक ऑटोमेशन कंपोनेंट्स असल में होते क्या है और कितना अभी आप इसमें अवसर देख रहे हैं बिजनेस को बढ़ने के लिए। देखिए, न्यूमेटिक ऑटोमेशन एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे इंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी हर उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ न्यूमेटिक्स का ऑटोमेशन का यूज होता ही होगा। बिकॉज आज की जो उम्मीद है फास्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन को हम लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द मैक्सिमम मैन पावर की जो यदि रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं तो ऑटोमेशन ऑफ न्यूमेटिक्स के साथ ही कर सकते हैं। और जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं हमारे मशीन को बनाने के लिए जो हमको कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें न्यूमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि कंप्रेस्ड एयर से चलती है और कंप्रेस एयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर जगह पे। उसको कंप्रेस करके हम लोग उसका ऐसे पावर की तरह यूज कर सकते हैं। जो यूज करने के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। उसमें 5 कैटेगरीज हम लोग मेजर कैटेगरीज हैं जो कि ली जाती हैं। वन इज न्यूमेटिक सिलेंडर्स जो कि आर्म का काम करता है, उसको ऑपरेट करने के लिए न्यूमेटिक वैल्व्स चाहिए जो कि ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ हम लोग इन हाउस नोएडा में ही हमारी फैक्ट्री है और वहीं पर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और बहुत ही वॉल के बाद उसके कनेक्शंस चाहिए सिलेंडर्स को, वॉल्स को कनेक्ट करने के लिए, और उसकी ट्यूबिंग चाहिए। प्लस जब कंप्रेसर से कंप्रेसर निकलती है तो उसको फिल्टर करने के लिए भी एक कंपोनेंट है, दैट इज फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज जो कि न्यूमेटिक ऑटोमेशन के बेसिक प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करती है जो हर इंडस्ट्रीज की नीड है आज के। जैसे कि मैन पावर की रिप्लेसमेंट कहाँ से हो सकती है कि उसको न्यूमेटिक के साथ ऑटोमेट कर दिया जाए किसी भी कंपोनेंट को, तो मिनिमम मैन पावर के साथ हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री। तो सर, आपको पिछले कुछ सालों में कैसे आपने इस पूरे सेक्टर को बदलते हुए देखा और कुछ अनुभव आप अपना शेयर करना चाहेंगे लोगों से? मैं बात करता हूँ सन 1996-98 की। न्यूमेटिक्स के इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि न्यूमेटिक के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे। तो उस टाइम पे कुछ जापानीज कंपनी और जर्मन कंपनी थी जो लोग आकर के इंडिया में स्टार्टअप किया उन्होंने। उसके बाद काफ़ी स्टफ जो है वो चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, जापान से वो इम्पोर्ट होकर के अपनी इंडस्ट्री में धीरे 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 लोगों को अवेयरनेस आने लगी। और जब 2003-2005 का, उस टाइम पे चाइना से काफ़ी ऐसे लोग थे और हम भी उसमें से एक थे कि जो वहाँ से ला करके यहाँ पे मार्केटिंग कर करते थे। तो जब भी कंसिस्टेंसी, इसमें क्या है कि क्वालिटी यदि आप नहीं दे सकते तो आपका माल जो है नहीं बिकेगा और नहीं आपके मशीनरी का एक्यूरेसी पार्ट जो है वो रह सकता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चाइना से यदि वो प्रोडक्ट मंगाते हैं, क्योंकि दिस ऑल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग यदि उसमें हम लोग एक्यूरेसी नहीं रखेंगे, प्रिसीजन काम नहीं होगा उसके अंदर, तो फेल हो जाएगा तो मशीन फेल हो जाएगी। तो मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक जब प्रोडक्ट बनाने से, डिज़ाइन करने से लेकर के और यूज़ होने तक का मशीनरी में एक पूरा इसका थोड़ा एपिसोड रहता है। तो चाइना से धीरे धीरे जो मेटल आने लगा उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। एक शिपमेंट तो बहुत अच्छी आ जाती, दूसरी शिपमेंट में काफ़ी वेरिएशंस मिलती हैं जो कि क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं। तो उसी के ध्यान पे हम लोगों ने ये फिर दिमाग लगाया कि यार ये तो बड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है आपको, तो क्यों ना हम लोग इंडिया में ही अपने इस प्रोडक्ट को जो है डेवलप करें। तो धीरे धीरे हम लोग उस इंडस्ट्रीज में इम्प्रूवमेंट करी, उस इंडस्ट्री की सर्वे किए और हमने पूरी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किया और यहाँ पे विद जैपनीज और कोरियन मशीनरी के साथ हम लोगों ने ये प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं और बहुत अच्छे सक्सेस हो रखे हैं इस टाइम। और अभी तक जो है हम लोग पिछले 5 साल से पहले की बात करते हैं तो हम लोग पुश सेल किया करते थे। पुश सेल मीन्स हम अपने सेल्स को करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, एक एक डोर डोर पर जा करके हम लोग सेल करनी पड़ती है। बट आज हम उस पोजिशन पर हैं, एक स्पैक न्यूमेटिक एक नया ब्रांड है न्यूमेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर और आज हमें फुल सेल मिल रही है, यानी कि कस्टमर खुद आकर के हमारे से मांगता है। सो ये हमारी कामयाबी का एक राज है, क्योंकि क्वालिटी है तो कस्टमर हमेशा आपके साथ जाएगा।